हाय एवरीवन, आज के फ्रेश हमारे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज है फ्राइडे और इक्विटी शेयर मार्केट की है छुट्टी। मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ बैडमिंटन खेलने। देखिए अभी ऑफ लेटली ना मैं टीटी खेलना तो रेगुलरली कंटिन्यू कर रहा था। बैडमिंटन कॉलेज के समय में, स्कूल के समय में बहुत खेला था, पर ऑलमोस्ट पिछले 5-7 सालों से छूट गया था। वापस से अब बैडमिंटन खेलने का भी श्री गणेश कर रहे हैं। आज होने वाला है पहला दिन, फ्राइडे का दिन है, तो चलिए चलते हैं और सीधे बैडमिंटन की शुरुआत कर लेते हैं। So, अभी अमन आ चुका है, बाकी सारे लोग डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। सो अब फाइनली गेम स्टार्ट हो चुका है, फर्स्ट राउंड चल रहा है। सेकंड राउंड में मोस्टली मैं खेलूंगा। सो अभी अराउंड हम लोग 6 लोग हो गए खेलने वाले। एक वहां पे आपको राइट में बिल्कुल बैठा हुआ दिखेगा, ये चारों हमारे ही दोस्त है। टोटल ग्रुप ऑफ 6 होने वाला है। सो देखते हैं क्या मजा आता है। मैंने भी काफी टाइम बाद स्टार्ट किया है, आई होप इंटरेस्टिंग होना चाहिए। सो फाइनली बैडमिंटन खेल के खत्म हो चुका है, इतना थक गए ना बाय गॉड की कसम। सिर्फ 1 घंटा खेले और फुल स्टैमिना हो चुका है। ये अमन भी आई एम वेरी श्योर, ये तो खैर काफी टाइम से खेल रहा है, थका नहीं थका तू? भयंकर भाई, भयंकर। चलो यार अब तो कंटिन्यू करना पड़ेगा, बहुत मजा आया यार। नहीं, करना पड़ेगा यार, 100% करना पड़ेगा। अब तो ना दादाजी को भी आप लोगों से बात करने में इतना मजा आता है कि अभी आज दादाजी आज खुद आए, बोले कि चल अनंत आज वीडियो शूट करते हैं। और मुझे देख के लगा बहुत ही अच्छा, मैं अब आपको ले जाने वाला हूँ हर्षद मेहता के बाद की स्टोरीज में, और केतन पारिक तक हम धीरे धीरे जाएंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं दादाजी के पास और एक एक चीजें सुनना, समझना और स्टोरीज के फॉर्म में सीखना शुरू कर देते हैं। हाँ भाई अनंत, आज तुम कई दिनों से मुझे कह रहा है कि दादाजी आप केतन पारिक के बारे में मुझे बताओ। मुझे जो थोड़ा बहुत मालूम है वो केतन पारिक के बारे में मैं बताऊंगा, क्योंकि वो 20 वर्ष पुरानी बातें होगी, कहाँ तक याद रहती है। केतन पारिक एक्चुअली ये जो अपने हर्षद मेहता के यहीं सर्विस करता था, जॉब करता था, इसके यहाँ CA था, और इसका जो ओरिजिनल जो इसके पिताजी थे हरक्षण एंड कंपनी, वही दलाली का काम करते थे। वो ज़्यादा इंस्टीट्यूशन की दलाली करती थी। केतन पारिक कुछ समय से काम करता था जब हर्षद मेहता काम करता था, उसे सीख रहा था सब काम। उस समय उसने हर्षद मेहता की तेजी में केतन पारिक ने खूब पैसे कमाए। उसके बाद में हर्षद मेहता जब डाउन हो गया तो 95 से केतन पारिक इस काम में लगा। पहले उसने बड़े शहरों में काम शुरू किया तो मुझे उसमें नुकसान लगा। एक मेरा दोस्त है जयपुर में, वो केतन पारिक के बारे में मुझे बताता था। वो केतन पारिक का अच्छा फ्रेंड था, तो वो बताता था केतन पारिक ने पहले बड़े शहरों में काम किया, नुकसान लगा, तो उसने उस समय सोचा कि IT कंपनीज का भी बचा बड़ा बाउंडर चल रहा है, चारों तरफ IT कंपनीज में तेजी आ रही है। तो उसने वर्ल्ड वाइड ये देख करके वो सब IT कंपनी में उसने काम शुरू किया। और जितने भी उसने क्या किया कि बॉम्बे स्टॉक में उसका काम होता नहीं था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने इतना मतलब स्ट्रिक्ट हो गई थी कि कोई भी वहाँ पर काम करता सावधानी से करना पड़ता था। इसलिए कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज में गया, उसका सब काम कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज में होता था, और कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज में राम राज्य था, जो जैसी मर्जी आए वैसा करो, कोई कुछ नहीं बोलता था वहाँ पर। तो वहाँ केतन पारिक गया, उसने 8-10 दलालों को इकट्ठा किया, 8-10 ब्रोकर इकट्ठे हो गए और उनको कहा कि मैं जैसे कहूँ वैसे तुम करो और तुम अपनी शाम को अपनी दलाली रहो। तो वो सब मिलकर के, और सर्कुलर ट्रेडिंग ये कहती है, सर्कुलर ट्रेडिंग, वो 8-10 एक दूसरे को बेचते थे, एक दूसरे को बेचते थे, भाव बढ़ाते थे और शेयर का वॉल्यूम बढ़ाते थे, और केतन पारिक का ये काम था। इस तरह केतन पारिक की कमाई अच्छी होने लगी, केतन पारिक की अच्छी कमाई होने लगी, दूसरी कंपनियाँ जितनी भी थी ना वो केतन पारिक के पास आने लगी कि साहब हमारे शेयर का भाव बढ़ा दीजिए। तो उनसे रुपये लेता, उसके शेयर की भाव बढ़ाता केतन पारिक, और उनको ऊंचा ले आता, जिससे उन कंपनियों को क्या फ़ायदा होता कि वो कंपनियाँ अपने जो शेयर्स है बैंक में लोन रख करके और बैंक से ज़्यादा रुपया उठा लेती, उनके शेयर बढ़ जाते और अपने शेयर बेच भी सकते थे बड़ी वो कंपनियाँ। तो केतन पारिक इस तरह से फिर वो उसने क्या किया, पैसे की कमी पड़ने लगी कि पैसा लाए कहाँ से। तो केतन पारिक पहले तो उन कंपनियों से कहा कि मुझे लोन दो, बिना ब्याज के उन कंपनियों से उन्होंने लोन लिया। लोन लेकर शेयर मार्केट में लगाता गया, मार्केट को बढ़ाता गया, केतन पारिक ने अच्छी तेजी लाई, बराबर तेजी चलती रही। उसके बाद में केतन पारिक ने और पैसा चाहिए तेजी लाने के लिए, तो और पैसा चाहिए, तो केतन पारिक बैंकों से लिया। उसने क्या किया कि अहमदाबाद में 2 कोऑपरेटिव बैंक के थे, मैं देखो नाम तो मुझे कुछ भी याद नहीं है, अब इतना वर्ष हो गए कहाँ से नाम याद रहेंगे। उसने उन कोऑपरेटिव बैंकों में काम किया, एक कोऑपरेटिव बैंक का तो उसने 51% होल्डिंग भी कर ली थी, जिससे उसका पावर चलता था। वहाँ से वो पे ऑर्डर लेता था बैंक के नाम से, 5,000 करोड़ का, 1,000 करोड़ का, 2,000 करोड़ का, जितना चाहिए 500 करोड़ का, और लेके और पेमेंट ले लेता था वहाँ से उठा लेता। इस तरह केतन पारिक का काम चल रहा था, और वो अच्छी जो कलकत्ता के अंदर में इतना ज़बरदस्त काम हो रहा था, कलकत्ता में जो भी पान वाला दुकान वाला सब शेयर मार्केट, किसके शेयर है, केतन पारिक के, केतन के शेयर है, केतन के शेयर है, केतन के शेयर के नाम से वो शेयर सब चलते थे।
और आज अपन सोच नहीं सकते केतन का नाम कलकत्ता में जितना था बॉम्बे में कोई नहीं पूछता था। कलकत्ता के अंदर में केतन पारेख ने क्या किया कि जितने ब्रोकर थे उन सबको फिर जब उसने देखा कि पैसा और चाहिए तो अपने शेयर ब्रोकरों के पास रखने लग गया और उनसे पैसे लेने लग गया। अचानक क्या हुआ कि वर्ल्ड वाइज ये जो आईटी कंपनीज है ना इन सब में मंदी आई, वर्ल्ड वाइज पूरे वर्ल्ड वाइज मंदी आई तो इंडिया में मंदी आई, इंडिया में मंदी आई तो सब लोग इंडिया में शेयर बेचने आ गए, आईटी कंपनी का शेयर बेचने आ गए तो मजबूर हो गए, केतन पारेख को भी शेयर बेचना पड़ा और मार्केट धड़ाम से टूट गया। मार्केट जैसे टूटता गया केतन पारेख के बाद लोग पैसे मांगने आए, अब उसके पास पैसे कहाँ हैं, सब पैसे तो शेयर मार्केट में लग गए हैं, वो बैंकों के पास गया मुझे पैसा दो, और तो बैंकों ने कहा भाई आपके पास जितने शेयर रखे उतने पैसे हैं और शेयर दीजिए और पैसा ले जाइए, और उसके पास शेयर लेते थे नहीं, तो केतन पारेख धीरे धीरे कमज़ोर होता गया और वो अपने शेयर बेचता गया। लेकिन लास्ट में जा करके वो ऐसा हो गया कि उसकी कंप्लेन हो गई, एक 500 करोड़ रुपए उसने बैंक ऑफ इंडिया से कोई पे ऑर्डर से पेमेंट लिया था, उसका पेमेंट नहीं कर सका वापस, उसने FIR दर्ज कराई और उसको अरेस्ट करवा दिया और उसके ऊपर इंक्वायरी बैठ गई और सारा मामला उसका कमज़ोर हो गया। केतन पारेख की एक विशेषता थी, हर्षद मेहता मेरे केतन पारेख में थोड़ा फर्क था, फर्क क्या था, हर्षद मेहता दिखावा ज़्यादा करता था, बोलता ज़्यादा था और सब कुछ ये करता था, और उसने मकान बिल्डिंग अपना फर्स्ट क्लास बंगला बनाया, 30 गाड़ियाँ थी, लेकिन केतन पारेख ने तो गाड़ी थी जैसे साधारण जैसे घर से निकला था वैसे ही साधारण तरीके से रहता था, किसी को मालूम ही नहीं पड़ता था केतन पारेख कितना पैसा वाला हो गया क्या। लेकिन लास्ट में जाकर के वो मंदी आने के कारण केतन पारेख मार्केट को संभाल नहीं सका, उसने आईटी शेयर को संभालने की चेष्टा की, संभाल नहीं सका और वो लास्ट में जाके फेल हो गया। ये केतन पारेख की छोटी सी कहानी जो मुझे मालूम है वो मैंने बताया है, इसके आदत के आगे तो मैं केतन पारेख के बारे में और कुछ जानता नहीं हूँ। अब मैं आपको अब मेरी एक छोटी मेरी वो जो रोजाना कहानियाँ कहता हूँ छोटी सी लोग कहानी कह दूँ। देखो भाई मैं तो अब धार्मिक आदमी हूँ, पर ही तो सरिस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अधिभाई, सब जगह एक बात कहते हैं कि दूसरे का भला करने के बराबर कोई धर्म नहीं है और दूसरे को दुख देने के बराबर कोई अधर्म नहीं है। ये बात शुरू में हर एक ऋषि ने हर एक संत ने सब ने एक ही बात कही। दुर्वासा ऋषि एक दिन समुद्र के किनारे जा रहे थे तो एक टिटरी नाम का एक पक्षी वहाँ पर अपनी चोंच में मट्टी भर भर के और समुद्र के अंदर ले जाकर डाल रहा था। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा टिटरी तू क्या कर रही हो समुद्र के अंदर में मट्टी डाल रही हो, क्यों मैं समुद्र है मेरे यहाँ पर अंडे पड़े थे आया और मेरे अंडे भाग के ले गया, क्यों अच्छा तो मैं इसलिए मैं समुद्र को एकदम बराबर कर दूंगी ये मट्टी डाल करके। तो दुर्वासा ऋषि ने सोचा ये बेचारी टिटरी कहाँ से बराबर कर सकेगी, तो दुर्वासा ऋषि में इतनी ताकत थी कि इतना उसमें योग शक्ति थी कि पूरे समुद्र के पानी को पी गया। समुद्र को पीने के बाद समुद्र ने कहा क्या बोला टिटरी के बच्चे दो, तो टिटरी के अंडे वापस आए तब जाके दुर्वासा ऋषि ने समुद्र को वापस पानी दिया। इस तरह दुर्वासा ऋषि ने कहा कि पर ही तो सर्वस्व धर्म नहीं भाई, मैंने इसका भला किया इसके बारे में कोई धर्म नहीं है, पर ही तो सर्वस्व धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सब नहीं भाई, दूसरे को दुख देने के बराबर कोई अधर्म नहीं है। उसके बाद आया कालिदास, कालिदास कभी आया वो भी वैसे कालिदास पहले स्वयं है वो एक तरह का ये था लुटेरा था लेकिन समय के अनुसार वो बदल गया। उसने एक दफा एक पक्षी को एक बहेलिया मारा था, मारते देख करके उसके मुँह से एक संस्कृत का श्लोक निकल गया अचानक ही, उस श्लोक का मतलब यही था कि पर ही तो सरस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सब नहीं है भाई, दूसरे का भला करने के बाद कोई धर्म नहीं है और दूसरे का बुरा करने के बराबर कोई अधर्म नहीं है। तो कालिदास ने कहा कि इसने मारा है कितना धर्म का काम क्या है, और कालिदास एक महाकवि बन गया बस ये इतने छोटे से वाक्य से। रामायण के अंदर में आप देखो तुलसीदास जी ने भी इसी बात को लेकर प्रश्न किया है, गीता में देखो आप भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो संदेश दिया है वो यही दिया है कि यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर भवति भारत है अभ्युत्थानम अधर्म से तदात्मानम सजम्यहम प्रीत्रा नाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापन आता है संभवामि योग्य के। ये अर्जुन जब जब धर्म की हानि होती है अधर्म बढ़ता है तो मुझे जन्म देना पड़ता है और संतों को बचाना पड़ता है और दुष्टों का नष्ट करना पड़ता है, मैं हर बार आता हूँ। अब अगर आगे अगर आप कहोगे तो भगवान के 10 अवतार हुए थे, मैं 10 अवतारों के बारे में भगवान ने कहा कि मैं हर युग में अवतार लेकर के और मैं दुष्टों का नाश करता हूँ, मैं आपको ये अगले वीडियो में सुनाऊँगा।